आमतौर पर जो नॉर्मल गाड़ियां होती है उनमें आपको स्प्रिंग सस्पेंशन दिया जाता है, लेकिन जो लग्जरी गाड़ियां होती है उनमें आपको ज्यादातर एयर सस्पेंशन ही दिए जाते हैं। तो अब सवाल यह आता है कि आखिर दोनों में से कौन सा सस्पेंशन बेस्ट होता है। देखिए, जो स्प्रिंग सस्पेंशन होते हैं उनमें झटकों को एब्जॉर्ब करने के लिए स्प्रिंग दी जाती है, लेकिन जो एयर सस्पेंशन होते हैं उनमें प्रेशराइज्ड एयर को ही शॉक एब्जॉर्बर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। झटकों से बचने के लिए इसमें टेंपर का यूज किया जाता है। अब एयर सस्पेंशन का फायदा यह होता है कि अगर गाड़ी में लोड ज्यादा भी हो जाता है तो एयर सस्पेंशन गाड़ी को बैठने नहीं देता, जबकि नॉर्मल स्प्रिंग सस्पेंशन वाली गाड़ियां ज्यादा लोड होते ही बैठ जाती है।